अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और दानिश पेट्स, आज आपके लिए एक नहीं दो नहीं बहुत सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आया है फ्रेंड्स। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है, वैसे तो ये रैपिड है लेकिन इनकी ब्रीड है इंग्लिश अंगोरा। और फ्रेंड्स, खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने इस रैपिड्स से बिजनेस जो किया, इस रैपिड्स से 50,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लाखों रुपया कमाया है। ये बात 100% सच है फ्रेंड्स। पिछले कई दिनों से मेरी इन रैपिड्स पे, अंगोरा रैपिड्स जो ब्रीड है, इस पर रिसर्च चल रही थी। कोई भी चीज़ बिना रिसर्च के बताना कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कारोबार के पॉइंट ऑफ से। फ्रेंड्स, आप इंग्लिश अंगोरा रैपिड्स जो हैं, इन्हें अपने घर में रखते हैं, इनके लिए इन्हें रखना कोई बिग डील नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं आपको तोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये खुद अपने आप को मैनेज करते हैं और इनके जो केज होते हैं, ये केज में ही रहना पसंद करते हैं। इन्हें खुला मैदान या खुली मिट्टी नहीं चाहिए। जो हमारे पाकिस्तानी रैबिट्स हैं उनसे ज़रा हटके होते हैं। मैं कुछ ईजी करके आप लोगों से थोड़ा सा ईजी करके समझाता हूँ फ्रेंड्स। सिंपली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मार्केट के अंदर अभी जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये 2 मंथ के करीब हैं। टू मंथ बनीस का जो पेयर का रेट है वो 16,000 से लेके 25,000 तक है। तो फ्रेंड्स, इनकी खासियत ये है, अगर आप एक पेयर रखते हैं, बहुत सी ज़िंदा गवाहियाँ हैं, बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब के अंदर फ्रेंड्स। अगर आप देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि लोगों ने ये वाजिया तौर पे कहा है कि भाई, हमने सिंगल पेयर से काम स्टार्ट किया था और आज हमारे पास 20 नहीं, 25 नहीं, 40, 50 पेयर हैं उनके पास। तो फ्रेंड्स, बात आ जाती है कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक पेयर से काम स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स ये एक महीने में 5 से 7-8 बनीस देता है, यानी कि 6-7-8 बच्चे ये देता है एक पेयर, ठीक है। जब वो बच्चे देता है तो फ्रेंड्स, वो 1.5 से 2 माह में इतने बड़े साइज़ के बच्चे हो जाते हैं। इतने बड़े साइज़ का मैंने आपको बताया, 15,000 से लेके 25,000 तक इसकी प्राइस है। बात आती है कि अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और ये बच्चे कहाँ सेल आउट होते हैं, ये ऑल एक्स पे सेल आउट होते हैं, और ये जो VVIP शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे भी आप डीलर रेट पे उन्हें दे सकते हैं। अगर आप इसको डीलर रेट पे भी देते हैं तो भी फ्रेंड्स, आपको 15,000-12,000 ईज़िली इस पेयर का मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वेट करते हैं, आपके पास जगह है, ठीक है, इसके लिए कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए फ्रेंड्स, 10 फुट बाय 10 का कमरा भी होगा, वहाँ पर भी आप 40 से 50 पेयर रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब 2 फुट बाय 3 फुट के केज में इजीली बच्चे रह सकते हैं। अगर बड़ी फीमेल है, जब वो बेबीज दे देती है, तो उसके लिए एक सेपरेट केज होता है, जो कि 2 से 3-4 फुट का केज होता है। उसमें उसने अपने पपीज को खुद केयर करनी है, मदर फीड इसने खुद करवानी है, सब कुछ इसने खुद करना है। सिर्फ तो सिर्फ इंसानों ने क्या करना है, इनका पानी चेंज करना है और प्लस इनकी सफाई रखनी है। 10 से 15 मिनट में सफाई हो जाती है। आपको नीचे केज के नीचे आपको एक ट्रे नज़र आ रही है, उस ट्रे को निकालें, उसको साफ कर दें, डैट सेट। दिन में एक दफ़ा ही किया जाता है उसके ट्रे को साफ। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं काम की। अच्छा, ये बात होगी कि आप बेसिक, अगर आप 3 से 4 फीमेल्स रखते हैं, उसके लिए एक मेल बहुत है, वो मेल सेपरेट रहता है, और उसके बाद वो 3 से 4 फीमेल्स के साथ क्रॉस करता है, और आपके पास हर महीने 6 से 7 लीटर आता है। साल में 40 से 50
बेबीज़ आपको मिल जाएंगे। बीच में 2 से 3 महीने आपको ब्रेक करना होता है ताकि आपकी फीमेल ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ जाए, वो उसकी सेहत भी अच्छी रहे और वो सालों साल आपको 30 से 40 बनीस दे। और एक बनी मैंने आपको बता दिया कि उसकी क्या प्राइस है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके जो ब्रीडर्स आपने रखे हुए हैं। फ्रेंड्स 40 से 50 बनीस आप साल में सेल करते हैं, इट्स मीन कि अगर आपका 8,000 रुपये का भी एक बनी जाता है तो आपने अर्निंग अच्छी खासी अर्निंग कर ली, ठीक है, कोई खर्चा नहीं है। 20 रुपये 30 रुपये खर्चा इन पे आता है सिर्फ ये जो खाते हैं। और फ्रेंड्स आते हैं जो सबसे ज़्यादा मज़े का जो है वो इनके बाल, जो ब्रीडर्स आपके पास है उनके बाल साल में 2 दफ़ा आप उनके बालों को यानी कि इन्हें गंजा कर देते हैं, ठीक है। आप इनको इनके बाल मशीन से कुछ इसमें टेक्निक्स होती हैं कि बालों को किस तरीके से उतारना है ताकि उसकी वैल्यू ना ख़राब हो बालों की। वो बाल भी सेल होते हैं फ्रेंड्स। वो बाल कहाँ सेल होते हैं, किस कीमत में सेल होते हैं, इन बनीस से ज़्यादा इनके बालों की वैल्यू है। बनीस ने तो पैसे देने ही देने हैं, सेल आउट होंगे बनी भी पैसे दे रहा है, लेकिन इनके बाल जो एक बनी से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। फ्रेंड्स कहने का मतलब कि कोई मेरा भाई कोई मेरा फ्रेंड अगर चाहे इस कारोबार को कर सकता है और अपनी जॉब भी कर सकता है और पार्ट टाइम अपने घर पे साइड पे एक पेयर से स्टार्ट करे, दूसरा पेयर तीसरा पेयर और एक महीने में लाखों रुपया कमा सकता है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते हैं दानिश पेट्स डॉग लवर्स हैं। और सबसे मज़े की बात इसमें ये, तो जी फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आप लोगों का कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। फ्रेंड्स 2 टाइम खाना खाना है इन लोगों ने, हाँ कभी कभी बनाना भी खा लेंगे, कितना खा लेगा 1 2 3, कोई इतना खर्चा नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स शौक भी पूरा होगा, बच्चे भी खुश और आप लोग इधर उधर जाने से बेहतर यह है कि आप लोग अपने घर में बैठ के एक कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस कारोबार के लिए देखा जाए अगर आपके घर में 10 से 12 साल या 15 साल का बच्चा या बच्ची है वो भी इसे मैनेज कर सकते हैं। इन लोगों को मैनेज करना मुश्किल इसलिए नहीं है, इन्हें किसी वॉक की ज़रूरत नहीं है, इन्हें बाहर नहीं लेकर जाना, इन्हें जस्ट ये एक केज में रहेंगे और प्लस जब जैसे ही फीमेल बेबीज देने लगती हैं तो उसे पता चल जाता है कि उसने बेबीज देने हैं, वो अपने केज को खुद ही वैसा बना लेती है। फ्रेंड्स ये चीज़ देखने वाली कमाल है, वो खुद किस तरीके से मैनेज करती है अपने बेबीज़ के लिए, फिर अपने बेबीज़ की बेबी सिटिंग भी खुद करती है, अगर बेबीज़ ज़रा सा भी बाहर जाए इधर जाए वो खुद अपने फेस के साथ उसे अंदर करती है। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये 1 महीने बाद बेबीज देने के लिए रेडी होते, बल्कि 1 महीने के बाद बेबीज दे देती है। जैसे ही इसके बेबी 1 महीने के हो जाते हैं तो इसकी सेकंड बेबीज आ जाएंगे, यानी कि सेकंड लेटर आ जाएगा। ये 1 महीने में लेटर देती है आपको बेबीज घर में या आपके केज में, आपको 4 केज भी आपने रखे होंगे तो 4 केजेस में बेबीज होंगे, 8-8 6-6 पीस होंगे और वो आप सेल करें। सेल करने का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उसको सेल करने का क्या प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनके बालों की। इनके बाल बहुत वैल्यू रखते हैं, इनके बालों का कपड़ा बनता है, इनके बालों से शालें बनती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान में ये काम शुरू हो चुका हुआ है। और इसे आप किस तरीके से इनका ट्रिम करेंगे इनके बालों को वो एक प्रोसीजर है। और जबकि फ्रेंड्स गूगल का ज़माना है, यूट्यूब पर हर तरह की आपको चीज़ मिल जाती है, मेरा काम है आप लोगों को आइडिया देना। और फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बोलूँगा कि आइडिया देने से पहले मैं ये अप्लाई कर चुका हुआ हूँ। इस टाइम ये जो बनीज आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे घर पर हैं, ये केज मेरे घर पर है और मैं ये काम स्टार्ट कर चुका हुआ हूँ। आप लोगों की दुआओं से ये काम भी अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस काम को स्टार्ट करें। मेरे पास
डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं मेरे पास, जो भाई हैं हैदर नाम है उनका, और खावर हैं, काफ़ी लोग हैं मेरे साथ जो लोग इस काम को बड़े अच्छे से जानते हैं और वो स्टिल बिजनेस कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं। जहां आपको ज़रूरत पड़े आप लोग गाइडलाइन ले सकते हैं, मेरा नाम लेकर उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने घर में इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंड्स कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उससे पहले 1 वीक तक मैंने बहुत सी स्टडी की, गूगल किया, सब कुछ किया, जो बातें जो मेरे सीनियर्स हैं उन लोगों ने जो बातें बताई वो बातें 100% सच है। इसमें बेनिफिट्स हैं, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है और बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। आप लोग जो आपके पास ब्रीडर्स होंगे, 10 पीस आप ब्रीडर्स रखें, ठीक है, इनकी एज 8 से 10 साल एज होती है इनकी। और जो ब्रीडर्स होते हैं वो साल में आप उन्हें 2 दफ़ा आप उनके बालों को ट्रिम करेंगे और वो 3 महीने में 4 महीने में 3 इंच के बाल पर आ जाते हैं। वूल इसकी सेल आउट होगी।